हम बात कर रहे हैं भारत बनाम वेस्ट इंडीज, पांचवा ओडीआई जो तिरुवनंतपुरम में खेला गया था, तो भारत ने बहुत ही आसानी से 9 विकेट से जीत लिया। इसके साथ सीरीज भी भारतीय टीम ने 3-1 से जीती। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ हैं अजीत अगरकर। अजीत, शुरुआत करेंगे टॉस से ही लेकर। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी, कहां कहां गलती हुई और टीम सिलेक्शन और टॉस, यहीं पे जो गलतियां हुई उसको सुधार नहीं पाए लगता है। शायद वो मुंबई में हारने के बाद, और वो जो बड़ी हार थी उसके बाद, ये थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम को मुश्किल होने वाली थी। लेकिन जब आप टॉस जीतते हो, एक आपने एक बल्लेबाज को कम किया है, ओपनिंग बल्लेबाज, वो भी जो इस अटैक के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलिस्ट ओपनर्स होना, उनको एक हेमराज को ड्रॉप करके एक गेंदबाज को ले आए और फिर पहले बल्लेबाजी की। जैसे हमने देखा पिच में गेंदबाजों को मदद थी, क्योंकि शायद थोड़ा सा थोड़ी सी नमी थी या मे बी थोड़ा सा टैकी पिच था जहाँ बॉल ग्रिप कर रहा था सरफेस को, और वहाँ जडेजा या बुमराह या भुवनेश्वर कुमार जैसे क्वालिटी बॉलर्स को फेस करना फिर बहुत मुश्किल होता है। और जब आप दोनों ओपनर्स को जल्दी उनकी जल्दी विकेट गई, उसके बाद बड़ी मुश्किल होने वाली थी वेस्ट इंडीज़ के लिए। डिसीजन मेकिंग आज अच्छा नहीं था बिल्कुल, होल्डर से टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय गलत था, और टीम सिलेक्शन में भी थोड़ा एक बल्लेबाज को कम करना जब आपकी बैटिंग ठीक नहीं हुई पिछले गेम में, थोड़ा सा आज उनको उन डिसीजंस की वजह से और ज़्यादा ख़राब हार गए। चलिए, टॉस में गलती करी, डिसाइड किया, उसके बाद टीम सिलेक्शन में गलती की, लेकिन जब फिर बैटिंग करने आए, आपको लगता है कि क्या ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी भारतीय गेंदबाजी उन कंडीशंस में, या वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज थे वो कुछ बेहतर कर सकते थे? अनप्लेएबल बिल्कुल नहीं थी, पिच में मदद ज़रूर थी, और बुमराह और भुवनेश्वर कुमार हमें पता है एक्सपीरियंस है उनके पास और क्वालिटी भी है। तो शुरू में नए गेंद से ऑलवेज बल्लेबाज को मुश्किलें पैदा करेंगे, लेकिन आपने जब पावल एक गलत शॉट खेल के आउट हुए और होप जब आउट हुए, उसके बाद थोड़ा सा पिच को परख नहीं पाए वेस्ट इंडीज़ की टीम, और फ्लैट पिच की तरह खेलते गए कि ऑन द राइज ड्राइव मार रहे थे या थोड़े से लूज सॉफ्ट शॉट्स खेल रहे थे, और बहुत आसान कर दिया काम। गेंदबाजी अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, क्योंकि शायद ये पिच 300 की नहीं थी, जो उन्होंने मे भी सोचा होगा कि जैसी सीरीज हुई है कि 300 रन बनाना इस भारतीय बल्लेबाजी के खिलाफ ज़रूरी है, मे भी वो पिच आज 300 रन की थी नहीं, आज मे भी 250 260 270 शायद फाइटिंग टोटल हो सकती थी, लेकिन उसके लिए उनको बल्लेबाजी अच्छी करना ज़रूरी था जो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। चलिए, सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने लिए, 4 विकेट उन्होंने लिए। आप पहले भी ये कह चुके हैं कि जो कंडीशंस थी, जो पिच थी, वो उनको काफ़ी मदद कर रही थी, लेकिन अब भारतीय टीम के नज़रिए से बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आपके पास चहल भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, अब जडेजा भी अच्छा कर रहे हैं, तो कौन है आपके अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्पिनर आपके मुताबिक? जब भी कंडीशंस या पिच ऐसी होती है जहां बॉल थोड़ा सा रुक के आता है या टर्न करता है, वहां जडेजा बहुत डेंजरस हो जाते हैं गेंदबाज, क्योंकि उनको थोड़ी सी पिच से मदद लगती है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और फील्डर एक्सेप्शनल है, तो एज अ पैकेज वो अगर पिच में मदद है तो वो बहुत डेंजरस गेंदबाज हो जाते हैं। लेकिन जहाँ फ्लैट पिच होती है, मुझे अभी भी लगता है कि चहल, आज जडेजा ने अच्छा किया है, एशिया कप में उनको वापस लाया तभी भी उन्होंने अच्छा किया था 1-2 गेम्स में, लेकिन जब पिच फ्लैट होगी, हमने देखा है पिछले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट के चहल और कुलदीप आपको बीच के ओवर में मैच जिता सकते हैं, और वो जडेजा को और वापस इंप्रूव करना होगा जहां गेंद टर्न नहीं होती, लेकिन जहां गेंद टर्न होती है जडेजा आपके लिस्ट में नंबर 1 पता नहीं लेकिन ज़रूर ऊपर होंगे। चलिए, वेस्ट इंडीज तो ये मैच बहुत ही आसानी से हार गई, अगर एक पॉजिटिव नजर आया तो वो थे ओशेन थॉमस, जो तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। सवाल अब ये उठता है कि वेस्ट इंडीज ने उन्हें पूरी सीरीज में क्यों नहीं खिलाया? ये सिर्फ होल्डर ही आपको जवाब दे सकते हैं, ये और एक डिसीजन था, जैसे आज हमने थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में शुरू में सीरीज में उन्होंने कप्तानी अच्छी की, आज हमने देखा सारे गलत डिसीजन, और कभी कभी और खराब दिखते हैं जब आप खेलते भी अच्छे नहीं हो, तो ये और एक जो गेंदबाज आपके पास है जो 140 प्लस डालता है कंसिस्टेंटली, बाउंस है उनके पास, दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा को आज एक ही गेंदबाज थे जिन्होंने तंग किया। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि ये पूरा सीरीज़ वो खेले नहीं, क्योंकि खेलते तो एक्सपीरियंस मिलता मुश्किल कंडीशंस में अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ कैसे गेंदबाजी करनी है वनडे क्रिकेट में, लेकिन हमें अभी दिखा दिया है उन्होंने
शायद इसके बाद होल्डर उन्हें बाहर ना रखे क्योंकि वो उनके स्ट्राइक बॉलर बन सकते हैं पेस और बाउंस की वजह से। अगर थोड़ी सी चिंता की बात होगी भारतीय फैंस के लिए वो है थोड़ा शिखर धवन का फॉर्म, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है, वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं। क्या लगता है आपको, जो टेस्ट क्रिकेट में असफल रहे हैं उसका कुछ असर यहाँ पे दिख रहा है या आपको लगता है थोड़ा सा ही एक ब्लिप है जो बहुत ही जल्दी चला जाएगा? हाँ, आई थिंक इंडिया तो ज़रूर होप कर रहा होगा कि विराट कोहली होप कर रहा होगा कि ब्लिप है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ये तीनों बल्लेबाजी को भारत की लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 सालों से कैरी कर रहे हैं। रायडू ने अच्छा किया इस सीरीज़ में, वो और एक पॉजिटिव है भारत के लिए। लेकिन शिखर धवन का फॉर्म इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेफ्ट हैंडर है तो अलग चैलेंज देते हैं गेंदबाजों को और अटैकिंग खेलते हैं। जब रोहित शर्मा अपना समय लेके खेलते हैं शुरू में, शिखर धवन प्रेशर डालते हैं गेंदबाजों पे, तो उनका फॉर्म वापस आना भारत के वनडे टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत अगरकर हमसे बात करने के लिए। तो मैन ऑफ द मैच इस पांचवें वनडे के रहे रविंद्र जडेजा, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली को गया जिन्होंने 3 शतक लगाए इस पूरी सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।